गायत्री मंत्र अपने आप में बड़ा ही ताकतवर और सिद्ध मंत्र माना जाता है। चाहे व्यक्ति की जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, मानसिक उलझने हो, आंतरिक उद्वेग हो और हर प्रकार की कैसी भी चाहे ग्रह की बाधा हो, चाहे प्रारब्ध कर्मों की बाधाएं हो, चाहे कोई के पापों के कारण व्यक्ति दुखी हो रहा है या संतप्त है, इसे दूर करने हेतु गायत्री मंत्र का पुरस्करण करना बड़ा ही अनिवार्य होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति गायत्री मंत्र का पुरस्करण नहीं करेगा, पुरस्करण यानी कि एक निश्चित संख्या में जिसमें कि 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 25 लाख और 24 लाख इस प्रकार से मंत्रों के जप करके उनको सिद्ध किया जाता है और इनको सिद्ध करने के बाद में व्यक्ति स्वयं खुद ही सिद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वैसे तो 24 लाख 25 लाख या 1 करोड़ की संख्या में मंत्र जप करना बड़ा ही कठिन है और फिर भी इसकी शुरुआत कम से जरूर की जा सकती है। यानी कि कम से कम 1.25 लाख की संख्या में अगर गायत्री मंत्र का अनुष्ठान निश्चित रूप से प्रतिदिन नित्य उसी संख्या में जप करके और 1 माह या 1.5 माह में या 2 माह में अगर संपूर्ण कर लिया जाए तो व्यक्ति को हर प्रकार की जो कठिनाइयां वो भुगत रहा है, चाहे वो उसके पापों का कर्म है या कुकर्मों का कर्म है, तो अवश्य ही उसे उससे छुटकारा मिलता है और उसके बाद ही उसकी तरक्की होगी। क्योंकि जब तक आपको पिछले जन्मों के पापों का छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक आपको उन्नति नहीं मिलेगी, तरक्की नहीं मिलेगी और आपके जीवन में बाधाएं आती ही रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि सारी आपकी जीवन की कठिनाइयां बाधाएं दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, तो अच्छा दिन देख करके अवश्य ही आपको 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप करने का संकल्प ले ही लेना चाहिए और अपने गुरु से मंत्र लेकर के, क्योंकि गुरु जब गायत्री मंत्र को कान में शिष्य के बोलता है उसके बाद में स्वयं वह मंत्र सिद्ध होकर के और एक शक्तिपात क्रिया जागृत हो जाती है। देखिए शक्तिपात 3 प्रकार से होता है, एक तो शब्द से, एक व्यक्ति को छूने से, स्पर्श से और दूसरा नेत्रों से। 3 प्रकार से गुरु अपने शिष्य को शक्तिपात करता है, मगर गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सिर्फ कान में गुरु के द्वारा दिया जाता है, यानी कि शब्द के द्वारा शक्तिपात होकर के यह मंत्र कार्य करता है और गुरु से ही मंत्र लेकर के जिस गुरु ने पहले से इस मंत्र को सिद्ध किया हुआ है उसी व्यक्ति से, उसी गुरु से आपको यह मंत्र अवश्य लेकर के इसका 1.25 लाख की संख्या में पुरस्करण करना चाहिए। कोई व्यक्ति जीवन में 11 माला फेरता है, कोई 21 माला फेरता है, कोई 30 माला फेरता है, तो इस प्रकार से अपने समय का निर्धारण व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। धीरे धीरे माला की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एकदम व्यक्ति 10 माला भी नहीं कर सकता है। अगर व्यक्ति पहले 2 माला करता है, फिर 5 माला करता है, फिर 7 माला करता है, उसके बाद में 8 माला करता है, फिर 10 माला करता है, इस प्रकार से व्यक्ति संख्या बढ़ाता है और उसी प्रकार से ही उसका सामर्थ्य बनता है कि वो इतना 1.25 लाख का जप कर सकता है। और जितना कम जप होगा उतना ही ज्यादा समय सिद्धि में मिलता है, इस बात का ध्यान रखें। तो कम से कम गायत्री मंत्र के जप को मेरा मानना है कि 1.25 माह में पूर्ण कर लेना चाहिए और इसके लिए चाहिए कि कम से कम 25 माला का नित्य आप जप करें। अगर आप 1 माह में करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 30 माला का जप करना पड़ेगा, तब ही जाकर के आप 1 माह के अंदर 1.25 लाख जप का पुरस्करण कर लेंगे। और जप होते होते ही अपने आप ही उपासक में ऐसी बुद्धि, प्रतिभा, सूझबूझ और दूरदर्शिता पैदा हो जाएगी जिसके बारे में अनुमान भी लगाया नहीं जा सकता है। यानी कि वह होने वाली घटना के बारे में भी जान लेता है, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, इसका पूर्वाभास साधक को हो जाता है। और इसके अलावा हर प्रकार की उसकी मन की भ्रांतियां दूर हो जाती है और असंभव और अनावश्यक विचारधाराएं, कामनाएं, मान्यताएं जो घुस पड़ी है वो भी फालतू की चीजें हैं, व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाती है और उसका मस्तिष्क परिमार्जित हो जाता है, जिसमें कुछ समय पहले जो बातें अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण थे, वह पीछे अनावश्यक और अनुपयुक्त लगने लग जाती है और उसका मानसिक चिंतन बड़ा ही आनंदमय सिद्ध हो जाता है और व्यक्ति जैसी कल्पना करता है और वैसा ही कार्य उसके अनुरूप, उस साधक के अनुरूप हो ही जाता है। क्योंकि गायत्री मंत्र के अनुष्ठान से साधक को संसार में हर प्रकार के अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं और वे चमत्कार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं और उन चमत्कारों में
जब व्यक्ति जैसे जैसे मंत्र का जप करता जाता है, जैसे जैसे उसका अनुष्ठान का अंतिम समय करीब आता जाता है, वैसे वैसे वो सिद्धियां उसके सामने आती ही जाती है। उन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद में ही व्यक्ति यह समझ पाता है कि यह सिद्धियां किस किस प्रकार से व्यक्ति को मिलती है और क्रम के हिसाब से मिलती है। और जब व्यक्ति 1,25,000 की संख्या को भी पार कर लेता है तो उसके पश्चात में जैसे जैसे व्यक्ति का जप करता जाता है, मगर वह निरंतर होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति निरंतर मंत्र का जप नहीं करता है तो उसको सिद्धि का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कुछ अंश ही प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति नित्य माला करता है, नित्य जप करता है, तो उसे अवश्य सिद्धि हासिल होती है। और 1,25,000 की संख्या को पार करने के बाद में व्यक्ति जितना ज़्यादा और मंत्रों की संख्या को बढ़ाता जाएगा, चाहे वह 6,00,000 हो, 10,00,000 हो या 11,00,000 हो, और 11,00,000 भी अगर गायत्री मंत्र का जब सिद्ध कर लेता है व्यक्ति, तो भी व्यक्ति सिद्ध बन सकता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है, वाचा सिद्धि भी उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, और कामना मात्र से कार्य हो जाता है। यानी कि जो कार्य मन में सोचा और वो कार्य हो गया, उसे कहते हैं कामना सिद्धि। तो ये सिद्धि भी उस व्यक्ति को मिल जाती है। और इसके अलावा जैसे जैसे मंत्र की संख्या और बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही सिद्धियां अपने आप ही स्वतः ही साधक को हासिल होने लग जाएगी। चाहे उसका शत्रु कैसा भी हो, टकराते ही उसकी मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए इस मंत्र को जितना लाखों की संख्या में जप किया जाएगा, उतना ही व्यक्ति सिद्ध बनेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद।